हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बालों को घर पर कैसे ट्रिम कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने आगे के हेयर्स को तो इजीली ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें सामने से दिखता है कि कितने हेयर्स कट हो रहे हैं, बट ये जो नीचे के हेयर्स रहते हैं ना, इन्हें कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपको हेयर्स को है ना हर 3 महीने में ट्रिम ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके बालों की लेंथ बढ़ती जाती है तो वो लास्ट में जाके ये नीचे झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो इनको ट्रिम करना ज़रूरी होता है, तभी आपके हेयर्स हेल्दी दिखते हैं और हेल्दी रहते भी हैं। तो बालों को है ना ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है अपने बालों को पहले अच्छे शैम्पू से वॉश करना, उसके बाद उन्हें ड्राई करना और उनके टेंगल्स को रिमूव करना। अब सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि हमें बनानी है एक पॉनीटेल। तो आपको है ना एक लो पॉनीटेल बनानी है, हाई वाली नहीं बनानी है। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने कहाँ पर अपनी पॉनीटेल बनाई है। आप देख लीजिए मैंने कहाँ पर पॉनीटेल बनाई है। आपको पॉनीटेल एकदम टाइट भी नहीं बनानी और एकदम लूज भी नहीं। इसके बाद आपको रबर बैंड से सिक्योर करना है अपनी पॉनीटेल को। तो अगर आपके बालों की लंबाई मेरे जितनी है तो आपको 4 रबर बैंड का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कम है तो आप 3 बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको एक के बाद एक रबर बैंड को लगाते जाना है। इन्हें भी आपको एकदम टाइटली नहीं लगाना है, आप है ना दो बार ही इन्हें है ना सिक्योर करें अपने पॉनीटेल को, तो हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे कि जो मैंने लास्ट वाला रबर बैंड है ना वो बिल्कुल नीचे साइड लगाया हुआ है, जितनी हमें बालों की लेंथ काटनी है। तो ये हम बिल्कुल नीचे की साइड लगाएंगे एक रबर बैंड को। अब आप देख लीजिए कि आपकी पौनी बिल्कुल है ना सेंटर में तो है या फिर आजू बाजू ना हुई हो। इसके बाद हम है ना ये हमने खिसका लिए है रबर बैंड को कि कितने हमें हेयर्स को कट करना है। इसके बाद सिंपली हम है ना इन हेयर्स को कट कर देंगे। तो आपकी जो है ना कैंची रहेगी वो थोड़ी अच्छी वाली होनी चाहिए कि जिससे एक बार में ही आपके हेयर्स कट जाएं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा हेयर्स कट करे थे बट वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, तो मैंने प्रोसेस फिर से दिखाई है। तो आप देख लीजिए मैंने इतने हेयर्स काटे थे, ये अजीब से झाड़ू जैसे दिख रहे थे ना, मैंने सारे कट कर दिए थे। इसके बाद सिंपली आपको सारे रबर बैंड्स को निकाल लेना और फिर से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है। तो अभी आप देखोगे कि आपको है ना वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो कि आपको चाहिए था, मतलब परफेक्ट स्ट्रेट हेयर नहीं मिले हैं, अभी भी थोड़े से कहीं ना कहीं से टेढ़े हैं, क्योंकि हमने अभी एक ही स्टेप कंप्लीट किया है। अब हमें करना है सेकंड स्टेप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप है ना 2 ब्रेड्स में करते हो ना 2 चोटी करते टाइम, वैसे ही आपको है ना बीच में से मांग निकाल कर बालों को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है और उन्हें अच्छे से एक बार कॉम्ब भी कर लेना है। अब यहाँ पर ये हमने कॉम्ब कर लिया है, इसके बाद हम फिर से इनमें रबर बैंड का यूज़ करेंगे। तो अब मैंने पहले 4 रबर बैंड का यूज़ किया था, इस बार मैं 4 का नहीं 3 का करूँगी क्योंकि इतने ही सफिशेंट रहेंगे। तो बस एक के बाद एक हमें कुछ इस टाइप से रबर बैंड लगाते जाना है। मैंने दोनों साइड दोनों ब्रेड्स पे ना कुछ इस टाइप से रबर बैंड लगा लिए। आप देखोगे कि ये बाल अजीब से दिख रहे हैं दोनों साइड, थोड़े एक्स्ट्रा। अब इन्हें आप कॉम्ब करोगे और ऐसे हाथ से पकड़ते हुए आप देखोगे कि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ना जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, दोनों साइड ऐसी नॉट सी बन रही हैं, इनको आपको कट कर लेना है। तो इससे क्या रहेंगे, आपके सारे स्प्लिट एंड भी गायब हो जाएंगे और आपके हेयर्स हैं ना अच्छे से स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो आप दूसरी साइड देखोगी उसमें भी सेम इसी टाइप से आपको हेयर्स दिख रहे हैं, ये नॉक्सी निकली हुई। तो आपको एक दोनों साइड से मेज़र करते हुए कि आपको दोनों साइड के हेयर्स बराबर रहें और इसे आपको कट कर देना है।
अब मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये प्रोसेस आपको एकदम से रिपीट नहीं करनी है कि आपने ऐसे है ना 3-4 इंच अपने बाल कट कर दिए। अगर आप चाहते हो कि आपके परफेक्ट स्ट्रेट हेयर रहे ना, तो ये प्रोसेस आप 2 से 3 महीने में बार बार रिपीट कीजिए। आप थोड़े थोड़े बालों को कट करोगे ना, तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपके बाल एकदम से सारे के सारे गायब हो गए हैं। तो अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो अगर आपके बालों में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ बाल हो गए हों, तो आप उन्हें किसी की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो रिजल्ट तो हमारा ये रहा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।